नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमारी कार है, इसको हम क्लीन करने वाले हैं, वॉशिंग करने वाले हैं। और वो वॉशिंग करेंगे हम इस रेडजन का SP जो पेवर है। दोस्तों ये जो कर्बलिंग मशीन है, इसका जो पानी का प्रेशर रहता है, इसमें क्लीन करने के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। इसका जो मोल्ड है, मोल्ड को क्लीन करने के लिए आज हम उसी प्रेशर से अपनी गाड़ी को क्लीन करके दिखाएंगे कितना प्रेशर रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले अपना मोल्ड साफ कर रहा है, इसी प्रेशर से आज हम अपनी गाड़ी भी क्लीन करने वाले हैं। आपको दिखाता हूँ उसका प्रेशर। जब भी दोस्तों कर्ब का काम आपका ख़त्म होता है तो आपका इसको मोल्ड आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें कॉन्क्रीट जो रहेगी थोड़ी बहुत जम जाती है। उमेश भाई इसका प्रेशर देखो, आप आवाज़ सुनो, इतना प्रेशर आपको किसी वॉशिंग सेंटर पे भी नहीं मिलेगा। मैं खुद अपनी गाड़ी जब साफ़ करूँगा इसको थोड़ी दूर से ही करूँगा, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत है, गुजारा कहाँ से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। अभी हमारे उमेश भाई कर रहा है अपनी लेवर क्लीन, क्योंकि इसमें पानी वही 500-600 लीटर ही रहता है। ये चालू किया दोस्तों, हमने साफ करना है इसको। देखिए इसका प्रेशर ज़बरदस्त प्रेशर है, इसमें गन दिया हुआ है, इसको आप प्रेस करके रखिए, उसी से साफ होता है। खतरनाक प्रेशर है इसका, इतना प्रेशर तो मेरे हिसाब से आपको वॉशिंग सेंटर पे भी नहीं मिलेगा। प्रेशर भी इतना होगा क्यों नहीं, 2.5 करोड़ की मशीन है, उसमें जो सिस्टम लगे होंगे बहुत अच्छे ही होंगे। उमेश भाई ने फाइनली गाड़ी हमारी चमकाई थी, तो थोड़ी सी देर में मुश्किल से मैक्सिमम हमको 5 मिनट ही हुए। तो है ना, कपड़ा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ रही कि कपड़ा ही मार दो, बिना कपड़े के ही पूरी क्लीन हो गई। वाह भाई, आज रिटिजन इंडिया को मैं मान गया, प्रेशर तो गजब का ही है, इतना प्रेशर तो मैंने कभी सर्विस सेंटर पे भी नहीं देखा। मैं इसको की आगे शोरूम पे बहुत बार लेके गया हूँ सर्विस सेंटर पे सर्विस कराने के लिए, पर वहाँ पे भी इतना प्रेशर मेरे को नहीं मिला जितना इसमें दिख रहा है। और आप देख रहे हैं नीचे, आप देख रहे हैं पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ है, थोड़ा से पानी में देखो कितना केवल प्रेशर से कर रही क्लीन। मैं दोस्तों जनरली अपनी गाड़ी कभी है ना सर्विस वॉशिंग सेंटर पे इतनी धुलाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक तो मिलर रहते हैं, मिलर से आप धो सकते हो आप गाड़ी, एक ये भी है कभी कभी, आज मैं फर्स्ट टाइम ही धो रहा हूँ इससे।
मिलर से दोनों आप प्लांट में आपके पास है वहाँ पे भी धो सकते हैं। खतरनाक प्रेशर है, खतरनाक, मजा आ गया। दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने का ही फायदा है, आपके पास इस टाइप का सब चीज, कंस्ट्रक्शन लाइन में हम लोग काम करते हैं उसका हमें यही फायदा मिलता है कि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल रहती है। अब जैसे वॉशिंग के लिए ये है, मिलर का प्रेशर भी रहता है, वो कम रहता है, इतना नहीं रहता, पर इस मशीन में तो पूरा प्रेशर गन ही लगा हुआ है, पूरा गाड़ी एकदम जैसे वॉशिंग सेंटर पर नहीं धोते बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कर दिया। बिना कपड़ा मारे ही देखो गाड़ी कितनी अच्छी चमक गई है चारों तरफ से। बहुत ज़्यादा गंदी थी ये, इसके मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर देखिए आप पूरा क्लीन हो गया है, अलॉय व्हील, अलॉय व्हील सब। वही तो बिना कपड़े के, जो शैम्पू लगाया होता तो और अच्छी चमक जाती, बिना शैम्पू के बिना कपड़े के कितनी अच्छी चमक आती। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।